ऑफ कोर्स होगा तो वही जो मैं चाहती हूँ। मेघा, आई जस्ट कॉल यू बैक। मेरे रूम में क्या कर रही है? एक बार समझ में नहीं आता मैंने क्या कहा था? डोंट कम नियर मी। मेघा प्लीज, हमसे ऐसा बर्ताव मत करो। एक बार हमारी तरफ देखो, क्या फिर तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी मां नहीं? तुम्हें लगता है सिर्फ पैदा करने से कोई मां बन जाता है? जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं और छोड़ देते हैं सड़क पे, जो तुमने किया। तुम कभी मां नहीं थी और ना ही कभी बन पाओगी, समझे? ठीक है, हम मानते हैं कि तुम हमें अपनी मां नहीं मानते, लेकिन एक बुजुर्ग समझकर हमारी इज्जत रखते हुए हमारी एक बार बात तो सुन लो। मैं तुम्हारी क्या बात सुनूं? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, डोंट यू अंडरस्टैंड? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और जहां तक तुम्हारी ये शक्ल का सवाल है, जब खुद को आईने में देखती हूँ तो खुद से नफरत हो जाती है। कभी कभी मन करता है एसिड फेंक दूं। मेघा प्लीज, ऐसी बातें मत करो। देखो, तुम एक बार हमारी बात सुनो, सारी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। ठीक है, हमारी बात नहीं तो बाबूजी से पूछ लो, घर में सबसे पूछ लो कि क्या हुआ था। मालिनी ने जो किया है अगर तुम वो जानोगी। एक मिनट, मुझे किसी से कुछ नहीं सुनना। मेरी मम्मी का मर्डर करके तुम्हें चैन नहीं मिला, जो अब उनका नाम खराब करना चाहती हो? मेघा, मुझ पर आवाज ऊंची मत करना। गेट आउट, आउट ऑफ माई रूम। तुम नहीं जाओगे। तुम जैसे लोगों को हैंडल करना मुझे आता है। तुम जाओ वरना आई कट माई सेल्फ। मेकअप, मेकअप प्लीज, हम जा रहे हैं। आउट, हम जा रहे हैं। अरे कावेरी, भैया की दवाई का वक्त हो गया, देख तो उन्होंने दवाई ली कि नहीं। नहीं, बाबूजी ने आज भी दवाई नहीं ली। और वो सब महाराज की वजह से। क्या मतलब? हाँ, रोज वो दूध के साथ लेनी है ना दवाई, और हर रोज की तरह महाराज ने आज भी दूध गिरा दिया। एक काम ठीक से नहीं करता है वो। मेघा, मेघा ये बैग लेकर कहाँ जा रही है? मेघा, मैंने पूछा कि बैग लेकर कहाँ जा रही हो तुम? मैं घर छोड़कर जा रही हूँ।